एक से 1.5 घंटे डेली करेंगे DSA। अगर थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आगे चल के। तो गाइस ये है वो डिजाइन जो कि हमें बनाना है, ये देखो। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। यार आज है मेरे इंटर्नशिप का डे 14, और मुझे बहुत दिन पहले एक दो कमेंट आए थे कि आपको कैसे इंटर्नशिप मिली, आपने कैसे अप्लाई करा इंटर्नशिप के लिए, हमें भी करना है। तो उसकी पूरी डेडिकेटेड पूरी 14 मिनट की वीडियो बना करके अपलोड कर दी है अभी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो जाओ, इसके पहले ही वीडियो वाली है वो, उसमें लिखा होगा हाउ टू गेट इंटर्नशिप, पूरे 14 मिनट की है, पूरा डिटेल में समझाया है कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है और असाइनमेंट कैसे करना है, बाकी ये सब। तो अभी चलते हैं हमारे स्टडी टेबल पर और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं कौन सी वीडियो अभी अपलोड करी है मैंने। सो गाइस अभी कर ली है मैंने अपनी वीडियो एडिट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, करीब 2 से 3 घंटे लग गए होंगे आराम से, नहीं कम ही लगे होंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगाया मैंने खुद से और थोड़ा अच्छे से एडिट करी। यहाँ पर देखो अभी ये सिर्फ हुई है फोकस 0.3%, अभी 100% जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसे। और यहाँ पे अभी थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं है, वीडियो साइज़ देखो यहाँ पे कहाँ नहीं लिखा, हाँ ये है साइज 3.7 GB, ये टोटल बहुत ज़्यादा GB थी, मैंने क्रॉस करके कंप्रेस करके 3.7 GB कर दी। और ये है हमारी 12 मिनट की वीडियो और ये हो रही हमारी 4K में, और अभी टाइम हो गया है अराउंड 1:11, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी कर लेते हैं इसे सेफ और फिर हम करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हमारी इंटर्नशिप का वर्क, तो इसे होने देते हैं अभी सेफ। अगर आप लोगों को भी इस टाइप की वीडियो में आना है या आपको भी कन्वर्जेशन करनी है मेरे साथ तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको फिर बताऊँगा कब और कैसे करेंगे हम कन्वर्जेशन। तो अभी कर दो सब जल्दी जल्दी कमेंट जिसे भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी हो। सो गाइस ये है वो वीडियो जो कि मैंने अभी अपलोड करी है। सो गाइस अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ DSA, आज से मैं करूँगा थोड़ा थोड़ा DSA, बहुत ज़्यादा दिन का गैप हो गया है DSA में, करीब डेली अब करेंगे 1 से 1.5 घंटे डेली करेंगे DSA। अगर थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आगे चल के, अगर एकदम से छोड़ देंगे तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे जो पढ़ा हुआ था। और इसका मैंने कर लिया था करीब ये देखो 60% तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लास्ट के जो टफ थे वो छोड़ दिए थे, मतलब एग्जाम आ जाते तो उसमें छोड़ना पड़ता है तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब से एग्जाम आए या कुछ भी आ जाए 1 घंटा या 2 घंटा तो डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 2 या 3 घंटा डेली आज से स्टार्ट कर दिया मैंने अब। और ये हमारा रहेगा 8 दिसंबर 2024, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त से जोड़ेंगे हम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 4 महीना है क्योंकि दिसंबर में एंड हो रहा है, हमारे पास 4 महीने हैं और 4 महीने का यह कोर्स होता है, तो इसी 4 महीने के अंदर ये पूरा कोर्स मुझे कंप्लीट करना है और करीब 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। और हमारे पास ये प्लस लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी में क्या है कि यहाँ पर देखो यहाँ ही लिखा है नीचे, दिस लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एमेजोन एटलसन एंड मेनी मोर, मतलब ये सब बड़ी कंपनी में इसके क्वेश्चन पूछे गए। और इसके अंदर ये नहीं है कि खाली क्वेश्चन लिख दिया और छोड़ दिया होगा या पढ़ देना खुद से, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो 2% खाली कंप्लीट करा था इसका, हम आ गए इसके अंदर और यहाँ पर देखो थोड़ा रुको, और यहाँ पर देखो मेंटर है, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन दे दिया आपको और फिर खुद से कर लेना। हाँ ये देखो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा फिर उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा और फिर ये सोल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन को इतना टाइम लग रहा है सोल्व होने में 6 से 7 मिनट, अच्छे से पूरे एक क्वेश्चन को समझाएंगे और ऐसे ही करके एक पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर कंपनी वाइज है अमेजोन इजी अमेजोन मीडियम अमेजोन हार्ड, तीनों कैटेगरी के इसमें क्वेश्चन है, अपन जैसे इजी को खोलेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो अमेजोन इजी के अंदर ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ तक, और फिर अमेजोन मीडियम स्टार्ट हो जाएंगे इसी तरह अमेजोन हार्ड, ये अमेजोन का खत्म, फिर उसके बाद आएगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इजी माइक्रोसॉफ्ट मीडियम माइक्रोसॉफ्ट हार्ड, ये तीन होने के बाद आएगा हमारा गूगल का, गूगल के इजी क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन एंड गूगल के हार्ड क्वेश्चन, ये खाली ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन दे दिए खुद से पढ़ दो, ये पूरा एक एक डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। और इसके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे हमारा दिसंबर में खत्म हो जाएगा कोर्स, लेकिन हम इसे एक्सेस कर पाएंगे करीब, एक सेकेंड यहाँ पर आ जाते हैं,
यहाँ पर देखो एक्सेस अंटिल, ओ सॉरी ये तो दिसंबर, हाँ हमारे डीएसए वाला दिसंबर में एंड हो जाएगा 2024 में, लेकिन ये जो हमारी प्लस लाइब्रेरी है ना जिसमें क्वेश्चन है कंपनीज के, ये खत्म होगी हमारी 2027 में, करीब 24 समझ लो एंड 25 26 27, पूरे 3 साल, 3 साल के लिए हमें ये क्वेश्चन कंपनी वाइज मिल रहे हैं, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। ये बहुत अच्छी बात लगी। पहले हम 4 महीने में अभी अच्छे तरीके से डीएसए सीख लेंगे और फिर उसके बाद हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कि हमारे सारे जब इतने हैवी कंपनी के हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो नॉर्मल छोटी छोटी कंपनी तो इजीली एकदम मतलब निकली जाएगा उसका प्लेसमेंट। हाँ तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना डीएसए जो कि 60% कम्प्लीट हुआ है, इसका डेली 1 घंटा दूंगा तो ये आराम से हो जाएगा 4 महीने में। तो इसे कम्प्लीट करने के बाद मैं करूंगा इस वाले क्वेश्चन को और लगे हाथ में करूंगा लीड कोड के क्वेश्चन। इस बार मैंने प्रैक्टिस कम की थी लेकिन आज से मैं करूंगा लीड कोड के भी क्वेश्चन। यहाँ पर सर्च कर लिया मैंने लीड कोड और इसके इजी मीडियम खाली 2 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इजी और मीडियम। हार्ड के बाद में करेंगे जब हम एकदम आगे पहुंच जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले डीएसए और फिर आएंगे हम लीड कोड पर। और आप लोग भी चाहे कोई से भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो या ग्रेजुएट हो या कोई से भी ईयर में हो, आप डीएसए लर्निंग स्टार्ट कर दो। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत अच्छी बात है, सेकेंड थर्ड में हो तो तब भी अच्छी बात है, डीएसए तो मस्ट है। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसमें खाली पूरा टाइम डीएसए में लगा दो, कम से कम डेली 1 या 2 घंटे डीएसए में लगाओ और बाकी अपना सारा टाइम लगाओ डेवलपमेंट में, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, अपना सारा काम लगा दो वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। डीएसए क्या कर लेना, आप ये मत सोचना कि डीएसए मुझे समझ में नहीं आ रही तो यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको मीडियम लेवल का या इजी लेवल तक का भी आ गया ना क्वेश्चन तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके डीएसए कोडिंग राउंड निकलने का। तो हाँ डीएसए मस्ट है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा टाइम हम अपना डीएसए में ही दे दें, इसमें थोड़ा टाइम देंगे करीब 1 से 2 घंटा और आप सारा टाइम दे देना अपना डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाना और लर्निंग में जैसे कोई भी हम पढ़ रहे हैं जावा या कोटलिंग तो उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, कम से कम 20 या 30% बेसिक पढ़ लेना, फिर आ जाना डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसके प्रोजेक्ट बना बना के ऐप सीखना। फॉर एग्जांपल हमने बनाया स्क्रॉल ऐप, जैसे इमेज है उसे स्क्रॉल करना है, सिंपल स्क्रॉल वाला ऐप बनाओ उसका कॉन्सेप्ट सीख जाओ और फिर ऐसे ही करके बटन वाला और ऐसे ही करके सारे धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट बना बना के सीख जाओगे। ओवरऑल यही कहना है मेरा, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या कोई से भी ईयर में हो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये देखो थंबनेल ये है इसका, हाउ टू गेट इंटर्नशिप, हाउ आई गेट इंटर्नशिप, और यहाँ पर अभी बिल्कुल अपलोड करी है, करीब आधा घंटा हुआ है बस। तो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज की इंटर्नशिप के वर्क में मुझे बनाना है एक सिंपल सा लेआउट, उसमें क्या है कि जैसे हम मिनी गैलरी, जैसे हमारी गैलरी होती है उसमें फोटोज देख सकते हैं, उस टाइप का एक बनाना है। एक सेकेंड अभी दिखा रहा हूँ मैं। सो गाइस ये है वो डिज़ाइन जो कि हमें बनाना है, ये देखो। यहाँ पर फोटोज रहेंगे, इनमें क्लिक करके भी ये फोटो देख सकते हैं और स्वाइप करके भी फोटो देख सकते हैं। इसमें ये वाला खाली इसका बनाना है और उसके पहले मैंने बनाया था ये वाला, एक सेकेंड जी, ये तो देखा होगा आपने इसके पहले वाली वीडियो में, ये वाला भी पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो आज बनाना है मुझे ये वाला, इसको बनाने के बाद फिर देखेंगे और क्या क्या करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने डेवलपमेंट, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसमें डेवलपमेंट।